एक कमरा, पांच लाशें, पांच बड़े सवाल। कातिल कौन, पति या पत्नी? बिहार के भागलपुर में 13 अगस्त को एक महिला सिपाही समेत पांच लोगों की हत्या कर दी गई। ये पांच एक ही परिवार के थे। क्वार्टर में रह रही सिपाही नीतू कुमारी की ईंट से कूच कूच कर हत्या कर दी गई। वहीं उनके दो बच्चों और उनकी सास का गला काट दिया गया। पास में ही नीतू के पति पंकज का शव पंखे से लटका हुआ मिला। एक सुसाइड नोट जो पुलिस को मिला है, उसकी माने तो पंकज की पत्नी नीतू ने उसके दोनों बच्चों और उसकी माँ की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसके बाद पंकज ने नीतू को मौत के घाट उतार दिया, बाद में खुद फांसी लगा ली। हालांकि पंकज के सुसाइड नोट में जो दावा किया है, उससे इतर भी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। समस्या ये है कि इस हत्या का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं। जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती, पुलिस अपनी जांच आगे नहीं बढ़ा पा रही। इस अजीबोगरीब हत्याकांड पर कुछ बड़े सवाल हैं जो सुलझ नहीं रहे। पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल ये है कि क्या नीतू के पति पंकज ने ही पहले अपने बच्चों समेत चार लोगों की हत्या की और बाद में खुद भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली? पुलिस इस एंगल से भी सबूत जुटाने में लगी है। पुलिस इस मामले की तह तक जाने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ भी कर रही है। दूसरा सवाल, अगर पंकज के सुसाइड नोट को ही सच माना जाए तो ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करने वाला है। पहला सवाल तो ये कि क्या नीतू के लिए संभव था कि वो एक ही घर में रहते हुए पहले एक बच्चे का गला रेते, उसके बाद दूसरे बच्चों को भी वैसे ही मारते और फिर आखिर में अपनी सास की भी हत्या कर दे? कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतू के साथ उस समय मौके पर कोई और भी मौजूद था? तीसरा सवाल, अगर एक बार के लिए ये मान भी लिया जाए कि पंकज ने ही अपने बच्चों की हत्या की, तो ये बड़ा सवाल है कि वो अपनी माँ को क्यों मारेगा, जबकि उसकी अपनी माँ से किसी तरह का कोई विवाद नहीं रहा है। पड़ोसियों का कहना है कि जब जब नीतू और पंकज के बीच झगड़ा होता था तो पंकज की माँ ही दोनों के बीच सुलह कराती थी। चौथा सवाल, इस पूरे हत्याकांड में एक बड़ा सवाल ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पांचों लोगों की हत्या के पीछे किसी बाहरी का हाथ हो? पुलिस को जांच के दौरान इस एंगल को भी टटोलना होगा। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी। पुलिस को जो सुसाइड नोट मिला है, उसमें पंकज ने नीतू के अवैध संबंध होने का शक भी जाहिर किया है। सूत्रों के अनुसार पंकज को नीतू पर शक था। इस बात पर दोनों के बीच कई बार झगड़े भी हुए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है।